हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने लगाई थी आज मशीन, तो मैंने आज कपड़े वगैरह धोए हैं और ब्लॉग स्टार्ट करने में मुझे थोड़ी हो गई है लेट। और बच्चों को मैंने उसकी ताई के साथ पार्क में भेज दिया अभी नहला धुला के। और ना बस अब मैं जाऊँगी, थोड़ी सी मैं भी धूप सेक के आऊँगी। कपड़े मेरे फाइनल हो गए हैं, अभी अभी नहा कर बस अभी फ्री हुई हूँ। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ फिर पार्क से आके, भेजूँगी बच्चों को ट्यूशन। और ये रुद्राक्ष के लिए और निमृत के लिए लेके जा रही हूँ पानी। तो गाइज, मैं ट्यूशन भेज के बच्चों को और आई हूँ। भाभी के ना दांतों पे कैप चढ़वाना है, तो हमारे यहाँ पे ना थोड़ा कम दामों में हो जाता है, तो इसलिए मैंने उससे बोला था, मैंने कहा यहाँ पैसे मत खराब कर और तू सुभाष नगर ही आ जाइयो, मैं वहीं से ही तेरा ट्रीटमेंट करा दूँगी। तो कह रही थी वो कह रही दीदी ठीक है आप पता कराना और फिर मैं आ जाऊँगी। तो गाइज, मैं पूछने ही आई थी यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि सर सुबह डॉक्टर आते हैं। अब देखो, ठीक है गाइज, मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइज, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरे पति भी अच्छे हैं। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, रुद्राक्ष पापा चले गए हैं आज फिर गुड़गावा, कल आ गए थे और चले गए हैं, उन्हें कुछ काम था। रुद्राक्ष भी साथ में चला गया है, तो रुद्राक्ष को जाना था अपनी दादी के साथ, तो दादी आज गई नहीं, रुद्राक्ष फंस गया है अपनी दादी के यहाँ पे। तो अब शाम को देखती हूँ, या तो मैं लेके आऊँगी या फिर रुद्राक्ष के पापा के जो दोस्त हैं ना, जो हमारा पहले रिक्शा चलाते थे भैया अनिल, वो कह रहे थे भाभी मैं छोड़ जाऊँगा 4 बजे के बाद। तो मैंने कहा ठीक है आप ही छोड़ जाना भैया, तो वो भैया छोड़ के जाएंगे। तो ठीक है गाइज, मुझे जाना है MLA के यहाँ पर, तो कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा किया है, तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको। तो गाइज, हम अपने MLA के पास से होके आ गए हैं और वो MLA जी नहीं मिली हमें, वो गई हैं छुट्टी मनाने के लिए 7 दिन के लिए। और हमें किसी का नंबर दे दिया है, हमारे पड़ोस में कोई नेता है, तो अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरे साथ कुछ लेडीज़ हैं मेरी मोहल्ले की, एक ये हैं एक वो आ रहे हैं, देखिए एक ये भी हैं। आप भी हो ना मेरे साथ, है ना? बताइए क्या प्रॉब्लम है हमारी गली में। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है अभी। 8 नंबर गली हमेशा ही भरी होती है। यहाँ हमारी प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है दिन। पाइपलाइन चेंज करने का कब से सुन रही कि वो सेंक्शन है, वो सेंक्शन का पैसा जाता कहाँ है? अभी कह रहे हैं कि ना अभी बजट नहीं है, नई लाइन बजट कभी भी नहीं होता है। इन लोगों ने हर बार मूर्ख बना के भेज देते हैं घर पर। अभी देखो कहा है कि 11 नंबर गली, मैं दिखाती हूँ आपको, ये 11 नंबर गली है, इसी में कोई वो है हमारे पड़ोस के, तो दिखाती हूँ मैं आपको अभी भी। जब भी फोन कर दिया चन्नी, फोन कर दिया, एरोप्लेन मोड हो गया जी, आया था भी हिटर ना मिल के दिया यहाँ पे था तो फिर बोला उन्होंने कि वो जेई साहब को बोलो, जेई बोलूंगा मैं, आप भेज दूसरी नंबर बोलो भाई आए तो सामने को बैरवा को लोग मालिक को वही तो कह रहे हैं जी चला गया उसने कितने बार का फ्लैट की लाइन का टेंशन है, बदलने वाली बदलने वाली को आ सकते हो इधर नहीं जाना है इधर नहीं। अब जो फोन नंबर दिया था अब उसका हम क्या करें, जो एयर मोड पे लगा दिया, बताओ आप है? नहीं, नंबर दिया था उसका फायदा क्या हुआ, एयर मोड पे लगा दिया। वो तो एक दिन हम लोग गए थे, वो आग सेक रहे थे 9:30-10 बजे, बेटा मेरा ड्यूटी जा रहा था, मैंने कहा मेरे को साथ लेके चल, भी इतनी बुरी हालत है। तब वो संजय आग सेक रहे थे एक दो के साथ और एक ऑटो खड़ा था, तो कहाँ से आए तुम्हारा भी हंसते हैं लोग आगे से, मैंने कहा मेरी वाला 8 नंबर गली की प्रॉब्लम है, कहता जाओ संजय के पास चले, हंस रहे आगे से, उन लोगों को पता ही है रोज का काम है, आते या जाते उस मरत को कोई पड़ता नहीं है। You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away.